हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना फेशियल। काफ़ी दिन बाद जो है मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला है, तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर रूटीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश करके सबसे पहले जो है मैं अपने ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ और फेशियल करूँगी आज मैं। बहुत टाइम बाद जो है अपने स्किन केयर का रूटीन का मुझे केयर करने का टाइम मिला है, तो मैंने सोचा ब्लीच अप्लाई कर लेती हूँ। साथ साथ मैं जो है अपने घर के काम भी करती रहूँगी और अपना जो है स्किन केयर रूटीन भी जो है मैं अपना ख़त्म कर दूँगी। तो पहले सबसे ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर ब्लीच मैंने अप्लाई कर ली थी। फिर उसके बाद जो है 10-15 मिनट में आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से जो है इसका ब्लीच जो अप्लाई हो चुकी थी, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और ब्लीच ही करने से आपका जो है ना काफ़ी फेस क्लीन हो जाता है। मतलब अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर करना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले, मतलब अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है स्किन। तो इस वजह से फेशियल ज़रूर करना चाहिए, ग्लो भी आता है स्किन पे, शाइन भी आता है, और जितनी डैमेज स्किन है आपको एक फ्रेशनेस सा मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने जेल अप्लाई किया है, और जो भी आप अगर फेशियल कर रहे हैं एज अ मैंने भी जो है पार्लर का कोर्स किया हुआ है, तो मैं एज अ टिप्स आपको वो नहीं बता रही, बस थोड़ा बहुत एक टिप्स दे रही हूँ कि आपको 10 या 15 मिनट मसाज ज़रूर करनी चाहिए। तो बस अपने आप कर लूँगी मैं, और इतना भी टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो बस जितना वक्त है मैं अपने लिए निकाल के जो है कोशिश कर रही हूँ आज। तो काफ़ी दिन बाद जो है मेरा ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो स्टार्टिंग ही मैंने फेशियल से कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छे से अपने जो है जो फेशियल करने की कोशिश करूँगी। तो कुछ इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट है जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, और मतलब कोई खुद करे ना तो इतना जो है अच्छे से नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं खुद कर रही हूँ, और अगर कोई करे तो बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो सबसे पहले मैंने जेल अप्लाई कर ली थी, फिर उसके बाद सेकेंड था स्क्रब, और इसके बाद मैं स्क्रबिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने जेल अच्छे से अप्लाई कर ली थी, सेकेंड इसमें फेस वॉश करके आ गई थी, फिर उसके बाद सेकेंड मैंने स्क्रब लिया है अच्छे से। अब स्क्रब कर लूँगी, स्क्रब आपके वो लिए जो सबसे जो है फेशियल में मेन पार्ट होता है, स्क्रब से जो है काफ़ी अच्छे से जो है स्किन आपकी क्लीन हो जाती है। तो मैं जितना ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके लगाया, जितनी आप अच्छे से कर सकते हैं उतना ज़रूर किए, नोज के आसपास और नोज के ऊपर, क्यों यहाँ पे ब्लड स्पॉट्स होते हैं, और जो है जैसे कील वगैरह हिंदी में बोलते हैं निकलते हैं, तो वो जो है आपके वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेथड है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ टिप्स फेशियल की। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया क्रीम, फेस वॉश में करके आ रही थी बार बार, तो मैं आपको क्रीम दिखा रही थी। और यहाँ पे जो है अब मैंने जो है मसाज क्रीम जो अप्लाई कर ली, इसे भी मैं करूँगी 10-15 मिनट। और इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया था जो है पैक, तो बस पैक अप्लाई कर लूँगी। बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने फेशियल किया है, क्योंकि इतना ब्लॉग बड़ा भी बोरिंग भी हो जाएगा, देखेगा मैंने कोई और टाइम भी नहीं है। फिर फटाफट से मैंने जो है अपना स्किन केयर रूटीन हो देखी, देखिए फेस कितना शाइन और इतना ग्लोइंग और इतना अच्छा खुद को भी लग रहा था, पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं। फिर मैं नहा कर आ गई थी, फिर आते आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, और यहाँ पे मैं कैमरे में आप लोगों को भी देख रही थी और ख़ुद को भी मैं सही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, तो बच्चों को आने का टाइम हो गया था, फटाफट से बनाना है खाना, तो खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसके बाद मुझे बेटे को लेने जाना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह जो है मैंने कट कर ली थी, और एक साइड मैं आज बनाने वाली हूँ घी वाला रायता, तो वो भी मैं रख दूँगी। घी मैंने जो है ग्राइंड करना है, तो बस उसके बाद जो है मैं घी बॉयल होने के लिए रख दूँगी, और जो है घी का रायता बनेगा। तो एक सेकंड मैंने तड़का फास्ट फॉरवर्ड करी हुई है वीडियो, इसलिए जल्दी जल्दी लग रहा है। तो सब्ज़ी कट करके मैंने रख ली थी, तो क्या सब्ज़ी बन रही है शिमला मिर्च के साथ के साथ, और एक सेट जो है घी है उबल जाएगा। और आज मुझे आइसक्रीम भी बनानी है, मैं देखो उसका शेयर करती हूँ कि नहीं करती हूँ जब टाइम मिलेगा। तो बच्चों के लिए काफ़ी टाइप से बच्चे बोल रहे थे सॉरी, तो फिर मैंने सोचा कि आज बना दूँगी उनके लिए, और ये घिया पड़ा हुआ था, तो फिर अभी एक छोटे से तो हमारी पूरी फैमिली को पूरा नहीं आएगा, तो मैंने सोचा चलो आज घिया का रायता बनाया जाता है, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो बस अभी बना दूँगी एक साइड घिया का रायता। और इसके बाद मैं ना ज़्यादा ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई, और मुझे लग गई थी भूख खाना बनाते बनाते, अभी टाइम लगेगा क्योंकि बच्चों को लाने के बाद ही खाना वगैरह खाती हूँ। तो तब तक कोई हम एक फ्रूट खा लेते हैं, जैसे आजकल सीज़न में अमरूद बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं अमरूद ला के रखे हुए हैं मैंने,
तो बस अभी वही एक मैं खा लूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा, तो ज़रूर नए हैं चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो बस यही मुझे बोलना है। तो बस मैंने सोचा था कंटिन्यू करूँगी, लेकिन पता नहीं आगे कंटिन्यू हुआ नहीं। तो यहाँ पर बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, शिमला मिर्च बनाई थी, ये घी वाला रहता, और यहाँ पर लास्ट फिनिश